कोई पार्टी का मंत्री आपके पास आया क्या? आपके हालात को देखने का काम किसी ने किया क्या? मंगत राम सैनी को उसकी याद क्यों है? मंगत राम स्कूली की औलाद है, जहां से पैदा हुआ है मंगत राम सैनी। और मैंने जब मैंने ये कुली का बिल्ला धारण किया, उस वक्त मैंने सुगंध लिया, उसी वजह से सुगंध ले ली थी कि हम लोग जब तक कुली को याद नहीं करवाएंगे, रेखा कर्मचारी नहीं बनाएंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बड़े महाराज जी साथ में है, मुरादाबाद के एक पुराने आदमी आए हुए हैं, जी अंदा खराब हुआ हर चोलों के ऊपर दिया 2000। यहाँ पे जंतर मंतर पे होली के द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आज हम पूरे अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन के बैनर के नीचे, जहाँ पूरे भारत में से होली और ट्रैकमैन ने मिलकर एक रैली कराया, हमारा प्रदर्शन यह है कि कैसे 2008 के अंदर पूरी इस बात को एक न्याय देने का काम किया। और उसी तरह ये मोदी सरकार एक बार फिर आज उनका जेश मार्ग इतना बुरा हाल है, इनका बच्चे का पेट के रोटी के लिए पैसा नहीं, बच्चे का पढ़ाई समाज को छोड़ नहीं था। हम चाहते हैं इनको समझ छोड़ के एक बार इनको जैसे 2008 में दिया है इसको नौकरी दी है। नहीं, अभी जो प्राइवेटलाइजेशन होने जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे, इनकी नौकरी बचेगी या खत्म होगी? नहीं नहीं, हम हर हाल में सरकार से है कि हम कुली की नौकरी लेके छोड़ेंगे और इसकी सुनने में हमारा कोई समझौता नहीं। यदि सरकार ने दूसरा काम किया तो हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है रेलवे द्वारा, उस पर आप क्या कहेंगे, ये ट्रैकमैन रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, जो ट्रेन चले उसके लिए हम सब ट्रैकमैन जैसा जो चाहता रेल की ट्रेन चलेगी तो रेल का यात्री चलेगा उसकी सुरक्षा होगी तो सभी का रोजगार चलेगा। हम लोग कभी ये दो चीज ऐसे हैं, ट्रैकमैन और कुली, जो रेल का सुरक्षा का मेन कारण है। कुली अच्छा काम करता है तो यात्री चलता है, ट्रैकमैन अच्छा काम करता है तो रेल चलता है। ज्ञापन आप किसको देने जा रहे हैं? आज कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, श्रम मंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जी को और जेटली जी को। इसके बाद भी आपकी डिमांड अगर एक्सेप्ट न हुआ तो अगला क्या होगा? इसके बाद हम जो उसके 4 बजे के बाद आएंगे तो सभी घोषणा करेंगे। यदि हमारी बात जो बात हुई है उसमें कोई पता लगता तो ठीक है, नहीं लगता तो हम हमारा ये क्रम लगातार पूरे जोनल सत्र में जाएगा, जोनल सत्र के बजाय डिवीजन सत्र में जाएगा, डिवीजन सत्र में जाएगा तो हम उसको पूरा दिल्ली फिर घेरने का काम करेंगे। आज भी जो कुली का जहाँ प्रदर्शन हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज जाके बॉम्बे में बस्तर रेलवे में देखिए सभी बिल्कुल स्ट्राइक है। आज जब तक प्रदर्शन चलेगा शाम को 5 बजे तक, बस्तर रेलवे पे कोई भी कुली काम नहीं कर रहा। जो बात सभी जहाँ आए हुए हैं, जो बात बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल हड़ताल किया हुआ। ये इस रक्षा में आप देख रहे हो आज से होने ट्रैकमैन को दोषी सताया, क्या ट्रैकमैन की दिशा को किसी ने देखने का काम किया? हम चाहते हैं कि इनको सुरक्षा दी जाए, कुली को सुरक्षा दी जाए, ट्रैकमैन को उसकी सुरक्षा बढ़िया ढंग से दी जाए। आज कोठियों में लाखों लाखों आदमी कोठियों में काम कर रहे हैं, आज लोहानी जी का हम स्वागत करते हैं जिन्होंने एक इतना देश दिया भी सभी को बाहर करने का काम लिया। लेकिन आज एक बहुत हादसे बात होगा कि लोहानी जी के देश को रेल के अधिकारियों ने कचरे की तरह उड़ा दिया। 2 दिन के लिए आदमी निकाले, उसी आदमी को निकाल के फिर अपनी कोठियों में और दफ्तरों में दूसरी तरह तरीके रख लिया, उसको भी बेवकूफ बनाने का, उसकी आंखों में जोकने का काम किया। जब तक रेल का ट्रैक नहीं अच्छा रहेगा, रेल नहीं चलेगी तो ये कुली क्या करेगा, रेल का यात्री क्या करेगा, रेल का मऊ नाम मेरा फतेह मोहम्मद कुली है। स्टेशन पे कोई यात्री आता है सबसे पहले कुली से पूछता है कि भैया ये कोच नंबर कहाँ रहेगा, ये गाड़ी कहाँ आएगी। इंक्वायरी ज़्यादा हमारा कुली बताने का काम करता है और हमारी रोजी रोटी, हमारे बच्चे हिंदुस्तान के कुलियों के भूखे करार पे आ गए हैं। दिक्कत ये है कि पहिया अटैची में पहिया लग गई है, बैग में पहिया लग गई है। ज़्यादातर यात्री कुली नहीं करता, वो अपने हाथ से घसीटने का काम करता है। हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई तो दूर है, हम लोग रोटी नहीं खिला सकते अपने बच्चों को। मुझे 40 साल काम करते हो गया स्टेशन पे। इस समय आप क्या चाहते हैं? हमें सिर्फ जो नौकरी लालू प्रसाद ने दी है वही लागू की जाए हमारे ऊपर, कोई नया कानून हमारे ऊपर नहीं लागू बनता। हमारा तो ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उसी कानून को जो बचे हुए कुली है उनको कैंगमैन की नौकरी दी जाए, यही हम लोग लेके ऑल इंडिया कुली यहाँ जुटे हैं।